हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, और हम लोग ये भी समझेंगे कि किसी भी निगेटिव नंबर पे अगर हम ऑपरेशन बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि अगर आप एक एम्बेडेड प्रोग्रामर हैं तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि शिफ्टिंग बिट्स पे किस तरह से करते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बिट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर पता होने चाहिए। ओके, तो समय ज़्यादा न गवाते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास एक नंबर है ए इक्वल टू 0x61। मैं हेक्साडेसिमल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें हमें क्लियर में समझ में आए, इसलिए मैं हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ। नाउ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ कि इसको मुझे शिफ्ट करना है 2 पोजीशन लेफ्ट में। तो मैं ये ऑपरेटर यूज़ करूँगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेशन या ऑपरेटर बोल सकते हैं। ओके, सिमिलर वे में हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर इस तरह से होता है। सो नाउ हमें क्या करना है, इसको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2। ये क्या करेगा, 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा, चलिए इसको राइट डाउन करते हैं। तो चलिए इस नंबर को हम लोग लिखते हैं। तो ये नंबर हमारा होगा 0110001। अगर हम क्या करेंगे, 2 बिट इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 2 बिट हमारी क्या हो जाएगी, लेफ़्ट शिफ्ट होके बाहर निकल जाएगी। ओके, और इधर से जो होगा 2 0 बिट हमारे क्या हो जाएंगे, इधर ऐड हो जाएंगे। तो वेन एवर वी शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, तो इधर हमेशा क्या होता है, 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बिट्स को शिफ्ट किया है। तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट 1 0, और ये वाला 0 इधर आएगा, इसके बाद आएगा, ओके 0 0 0 0, और 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। ओके, इस तरह से हमारा शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा। बट सेम चीज अगर हमें क्या करना है, ए को राइट शिफ्ट करना है, इफ़ वी आर शिफ्टिंग ए को राइट शिफ्ट करेंगे 2 बिट्स, तो इस केस में क्या होगा, फिर से राइट डाउन करता हूँ मैं, 0 1 1 0 0 0 0 1। नाउ अभी के केस में क्या होगा, क्योंकि 2 बिट हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड का जो 2 बिट है ये बाहर निकल जाएगा, और इधर से 2 बिट हमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि 0 होगा। ओके, नाउ देखते हैं, तो ये 2 बिट बाहर निकल जाएगा, तो ये बिट हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये बिट हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे लेटेस्ट नंबर हो जाएगा आफ्टर शिफ्टिंग। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम करता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो भी हमारा वैल्यू ए होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज इंटीजर। ओके, इसके साथ ही साथ जो हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट ऑपरेंड हो गया, राइट ऑपरेंड हम लोग दे रहे हैं, राइट ऑपरेंड भी हमारा क्या होना चाहिए, ये भी ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। आप यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर नहीं दे सकते। ओके, इस चीज़ों का ध्यान रखना, अदरवाइज क्या होगा, कंपाइलर विल गिव यू एन एरर। ओके, एक केस के बारे में और बात करते हैं, अगर नंबर हमारा निगेटिव हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, चलिए वो भी देखते हैं।
लेट्स से हम लोग क्या लेते हैं, ए इक्वल टू माइनस, सॉरी हम लोग लेते हैं ए इक्वल टू माइनस 95। ये मैंने इसलिए यहाँ पे डेसिमल लिया है ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, निगेटिव नंबर है। अगर मैं हेक्सा डेसिमल में लिखूँगा तो यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वेदर ये डेसिमल है या निगेटिव है कि नहीं है। ओके तो यहाँ पर अभी क्या है कि माइनस 95 जो है इसको हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। लेट्स से वी आर गोइंग टू शिफ्ट बाय 2। ओके 2 बिट इसको हम लेफ्ट राइट शिफ्ट हुए हैं तो क्या होगा। नाउ इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करके इसको हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में इसको लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो बाइनरी में लिखेंगे तो क्योंकि ये निगेटिव है तो पहला बिट तो मुझे पता है कि क्या होगा, हमेशा साइन बिट होगा, राइट। उसके बाद हमारे सारे नंबर्स आएंगे 0 1 0 0 0 0 1। ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिट को टू बिट्स राइट शिफ्ट करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले, जब भी हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टू बिट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इधर से 2 जीरोज ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। मैंने यही बताया। बट जैसे ही नंबर नेगेटिव होता है ये जीरोज यहाँ पर नहीं ऐड होते हैं, यहाँ पर क्या ऐड हो जाते हैं, 1 ऐड होना चालू हो जाते हैं। यही थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना है। तो अब समझिए, जैसे ही ये 0 हुआ, सॉरी ये शिफ्ट किया, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0, तो 0 0 0। ओके उसके बाद ये कौन सी बिट है हमारी, ये वाली बिट है, ये हो जाएगा 1, ये वाली बिट क्या हो जाएगी 0, ये वाली बिट क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे जो लास्ट 2 बिट होगा ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गेटिंग। तो जब भी हम लोग निगेटिव नंबर को राइट शिफ्ट करते हैं तो उस केस में हमेशा निगेटिव ऐड होता है। अगर यही नंबर हमारा क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, ये बिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 होगा। अगर निगेटिव नंबर नहीं होगा, जब ये नंबर 0 होगा तो ये क्या होगा, 1 ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। ओके गेटिंग। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब बिट वाइज हम लोग किस तरह से शिफ्टिंग करते हैं तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए कि जब n के साथ हम 01 लिखते हैं या 0x01 आप कह सकते हैं, यहाँ पर 0x01। ओके तो इससे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम फर्स्ट बिट को केवल लेना चाह रहे हैं, बाकी किसी बिट को नहीं लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम 0x01 के साथ एंड करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला पूरा डेटा हमें क्या देगा, अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, केवल यही बिट बचेगा, राइट। तो ये वाली बिट जब बचेगी, अगर ये 0 होगा तो 0 मिलेगा, 1 होगा तो 1 मिलेगा। ओके तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 1 होगा तो क्या होगा, काउंट कर लेगा प्लस प्लस, और फिर से लूप में हमारा ये क्या होगा, अगेन चालू हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा, ये पहले क्या होगा, शिफ्ट होगा एंड अगेन कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाली बिट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो जब ये वाली बिट हमारी यहाँ पर आ जाएगी तो इस बिट को हम लोग फिर चेक करेंगे, अगर ये 1 है कि 0 है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बार बार चेक किया गया है। उसके साथ ही साथ इधर से हमारा क्या होगा, 0 ऐड होता जाएगा। जब सारी बिट शिफ्ट हो जाएंगी तो ऐट द एंड हमारा पूरा फ्रेम जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही पूरा फ्रेम 0 होगा ये क्या होगा, इटरेशन क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा और तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा।
इस तरह से हम लोग बिट को काउंट करते हैं। तो चलिए इसको क्विकली रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जीसीसी एग्जांपल वन एंड नाउ रन कराते हैं। देखिए टोटल काउंट बिट हमारे कितने हैं, 8 हैं। इसको और समझना है आप इसको कर दीजिए 0F। अभी मेरे कितने बिट आने चाहिए, अभी हमारे पास आने चाहिए टोटल 4 बिट, राइट। नाउ 4 बिट आ रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर हमारा साइंड होगा तो ये जो पहला बिट इसमें जो होता है मीन्स 8th बिट होता है वो हमेशा साइन वैल्यू को प्रेजेंट करता है। तो अगेन प्रीवियस एग्जांपल पे आते हैं, तो इसमें क्या होगा अगर मैं इसको साइन कर दूं, ओके। नाउ ये क्या होगा, इसकी पहली बिट साइन बिट रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये वाला बिट क्या होगा, साइन बिट होगा। डेटा वैल्यू हमारी क्या होगी, ये पूरे इतना डेटा वैल्यू होगा, राइट। नाउ अगर इस कंडीशन में हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इधर से 0 ना फिल होने की बजाय ये क्या होगा, 1 फिल होने लगेगा, 1 फिल होने लगेगा, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोर्ड पे समझाया था, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। ओके नाउ देखिए क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा। हो क्या रहा है, क्योंकि पूरा फ्रेम हमारा क्या है, 1 से फिल हो गया है, तो ये क्या हो रहा है, ये वाली बिट कभी भी 0 सेट नहीं हो रही और लूप में हमारा जाकर फंस जा रहा है, जिसकी वजह से ये कभी कोड टर्मिनेट नहीं होगा, ओके। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्लियर है, ओके। नाउ इसको टर्मिनेट करते हैं, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, साइंड लिख रहे हैं या अनसाइंड लिख रहे हैं, इन केस ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेशन, ओके। नाउ हम लोग सेकेंड एग्जांपल में आते हैं, तो सेकेंड एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया है कि नॉर्मल लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो जल्दी से क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। नाउ इसको बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट प्रॉब्लम आप क्या फेस करेंगे मैं वो दिखाना चाहता हूँ, तो उसको देखते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वार्निंग, लेफ्ट शिफ्ट काउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू विड्थ ऑफ द टाइप। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमें एक रूल हमेशा याद रखना है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के कंडीशन में जो भी हमारा डेटा टाइप होता है, ओके, और ये जो हम लोग शिफ्ट काउंट वैल्यू देते हैं उसकी साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो ज़्यादा होगा कंपाइलर क्या करेगा, एक वार्निंग थ्रो करेगा। इस वार्निंग से क्या डिफरेंस आता है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करना चालू कर देंगे तो वो आपका जो रिज़ल्ट है अनडिफाइंड होगा। कभी कभी हो सकता है आपको एक्सपेक्टेड मिले, आपको लगेगा कि ओके ठीक है ये तो चल रहा है, लेकिन ये रैंडम बिहेवियर होता है। तो इस वजह से इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं तो ये वाले जो पोर्शन होता है इसको हमेशा क्या करते हैं, बिट साइज से हमेशा लेस देन इक्वल टू ही रखते हैं। तो हमारा बिट हमारा काउंट होता है 0 से, क्योंकि ये इंटीजर 4 बाइट होता है, तो ये काउंट होगा 0 से 31 तक, तो इसको हमेशा हम रखेंगे 31 और इसको भी हम हमेशा रखेंगे 31, ओके। नाउ अब इसको कंपाइल कराते हैं। नाउ देखिए वार्निंग चले गए, ओके। तो आई थिंक क्लियर होगा, रिजल्ट भी क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बिट को सेट करते हैं लेफ्ट शिफ्ट से राइट शिफ्ट से ऑपरेशन करके, और राइट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में हमारा इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देने वाला। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इन दो एग्जांपल से मेरे बताने का ये पर्पज़ था कि हम लोग किस तरह से लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।